होलसेलिंग के अंदर बकरे चाहिए, वो भी अहमदाबाद के अंदर, तो भाई साहब से कांटेक्ट कर लेना। अहमदाबाद से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर ये रह रहे हैं। आप सभी का स्वागत है एक्सप्लोर विद जीपी पर। दोस्तों मैं न्यू गुजरात गोट फार्म पे हूँ, और भाई देखो मैं अहमदाबाद के अंदर था और वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर ये गाँव है, गाँव के अंदर ये फार्म है, और भाई साहब जो है बकरों में काम करते हैं। स्वजत से ये बकरे मंगवाते हैं और आसपास के क्षेत्रों से ये बकरे मंगवाते हैं और ट्रेडिंग का काम करते हैं। पहले तो ये लोकेशन देख लो दोस्तों, पूरी चारों तरफ ग्रीनरी है। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे गांव वाली फील आई, क्योंकि मैं अभी काफ़ी दिनों से सिटी में रह रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहाँ आ गए हम तेज तराट की दुनिया में, जहाँ बहुत लोग बिजी हैं। शुरू करता हूँ मैं वीडियो को, नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक करिएगा और देखते हुए कमेंट करिएगा। बात करवाता हूँ मैं फार्म के ओनर से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ पर है, एक लोकेशन बता दीजिए हमें। हम गांधीनगर धानीसा गांव में है। ये गांधीनगर धानीसा गांव तो अहमदाबाद से कितने किलोमीटर, 50 है? 50 है, 50 फिक्स 50 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, कितने सालों से भाई साहब फार्म कर रहे हैं? हम 5 साल से। 5 साल से करते हैं, तो चलते हुए बात करेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा बाबा का नाम है, ऐसा नाम इब्राहिम है, पर बाबा से पहचान थे। तो बकरों का शौक कब से लगा आपको? 2019 से। 2019 से। राजस्थान से ही बकरे मंगवाए? राजस्थान से। अच्छा, आपका काम होलसेलिंग का है यहाँ पे भी? होलसेल का है, वहाँ से लाके आप होलसेल में यहाँ पे देते हैं, एज ए ट्रेडर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। कितने बकरे निकल जाते हैं महीने के? 250। 250 बकरे। बकरे मैं देखना चाहूँगा दोस्तों अपने सोजत के जो बकरे यहाँ पर आते हैं, और आज मैं आपको ये बकरे दिखा रहा हूँ, देख लो। वैक्सीनेटेड, ये सारे वैक्सीनेटेड हैं। कितने बकरे हैं अभी फार्म पे? 135 नग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा मेरे को इसके बारे में डिटेलिंग करते हैं, ये कितने कितने दांत है जानवर? दो दांत के होंगे। दो दो दांत के हैं? सारे दो दांत के? अदंत है, अदंत है, और दो दांत के भी हैं। 60-70 नग दो दांत के होंगे। अच्छा, 60-70 नग तो अदंत है, दो दांत है, दूसरे अदंत है। अभी लेटेस्ट में भी माल मंगवाया था क्या? लेटेस्ट ही आया नहीं, ये लेटेस्ट ही माल मंगवाया ना। अच्छा, माल को 15 दिन में, हर 15 दिन में माल आपका आता है। और भाई सब देखो, थोड़ा सा बकरों को इधर भेजिए भाई, ये फार्म भी बहुत बड़ा बना दिया आपने तो। अच्छा मेरे को ये बताओ ना, ये फार्म लिया जब प्रीपेड था या आपने बनवाया सारा? मैं खुद ने बनाया, मैं वेल्डर भी हूँ। अच्छा, खर्चा काफी कर दिया होगा? मैं कारीगर भी हूँ। अच्छा, और ये इनकी ही जगह है, यहाँ पे ये फार्म कर रहे हैं ना। देखो मिलके तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और आपने तो खर्चा काटा भी बहुत कर दिया है, बहुत पैसा लगा दिया है। बकरों का शौक आपको काफी सालों से, फार्म करते हुए 5 साल हुए। क्या क्या वजन में है ये बकरे? ये सलंग पट्टी आ जाएगी 40 किलो की। सलंग पट्टी अगर कोई लेगा तो 40 किलो की, 40 किलो की पट्टी आ जाएगी, 25 से 55 किलो के। देखो इसमें गुलाबी बकरे भी हैं, डबल कलर के अंदर भी हैं, सोजत के हैं जो लोग। अच्छा अहमदाबाद से काफ़ी लोग आते होंगे आपसे पास बकरे खरीदने के लिए? यहाँ से गाँव में से भी ज़्यादा आते हैं, गाँव में ज़्यादा, आसपास के गाँव में जो पालने वाले, एक एक दो पालने वाले ना? नहीं, 40-40, 50-50 नहीं लेके जाते। अच्छा, 40-40, 50-50 लेके जाते हैं। तो वैसे आपने बोला कि 5 साल का धंधा है, और दूसरा मंथली हर महीने में कितनी गाड़ी आती है आपके यहाँ पे? 3 गाड़ी आती है। अच्छा इस वीडियो को देख के काफ़ी सारे लोग जो है आपसे फ़ोन करेंगे, कांटेक्ट करेंगे और डिमांड करेंगे 50 बकरे चाहिए, 100 बकरे चाहिए, मान लो 20 भी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ से गाड़ी अवेलेबल होगी ट्रांसपोर्ट के लिए या कहीं और से करनी पड़ेगी? यहाँ से मिल जाएगा, मैं किसी का पैसा लेके लाके नहीं देता, मैं लाता हूँ, उनको पसंद आ ले जावे। हाँ अच्छा, अच्छा पसंद आता है तो आप ले जाइए, बाकी ये है कि गाड़ी आप यहाँ से करवा देंगे? हाँ, हो जाएगी, हो जाएगी ना गाड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दो नग के लिए यहाँ पे आके लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों आप समझ चुके होंगे भाई, एक 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 बकरा पकड़ लो ना आप, थोड़ा मेरे को दिखा भी दो तो मज़ा भी आ जाए दिखाना में, और वजन भी दिखा दो साथ में, थोड़ा वजन भी पता चल जाए। ये पंजाबी है, ये पंजाब, ये बिटल नस्ल है ना, किलो का ये बकरा है, और ये बिटल के अंदर है। सोचित के पकड़ो 2-4 बकरे। हाँ ये डबल कलर मक्खी चीना लेके आओ। मक्खी ये एक जैसे क्या वजन में होगा? अब ये 45 होगा, 45 किलो। दांत कर लिया होगा ये? दांत, दो दांत है। अच्छा दो दांत है। सिरोही का बकरा लेके आ रहे हैं भाई, तुम एक बकरा लेके आओ ना भाई, अरे लेके आ जाओ। अच्छा ये सिरोही, ये तो अदंती है ना, ये तो 6-7 महीने का बच्चा है। क्या वजन में होगा ये? ये होगा 35। 35 किलो का वजन का। हाँ इसको लेके आओ, इसको ये सोचे थे ना, गुजरी है, गुजरी है, व्हाइट चेहरे में डबल कलर के अंदर। दोस्तों
ये भी 40 के करीब है ना। बहुत अच्छा, बकरे मैं सारे देख चुका हूँ, दिखा चुका हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन भी बता चुका हूँ। और देखिए इसमें मेवाती भी है, डबल कलर में होलसेलिंग का काम है भाई, सारे मिल जाएंगे। अच्छा ये क्या वजन में होगा ये भाई ने पकड़ा है? ये 35 ऊपर होगा। 35 का है ना, और ये भी 35 का, 35 किलो का। अच्छा ये फार्म संभालते सिर्फ आप अकेले ही हैं? आप नहीं, कारीगर है, कारीगर है साथ में, और आप रहते हैं यहाँ पे ज्यादातर है ना? मैं सुबह आ जाता हूँ 11 बजे। हाँ हाँ हाँ। फिर हरी पत्ती का जुगाड़ ये यहाँ पे तो आपके खूब खेती वगैरह है तो? मैं वो नहीं खिलाता, मैं सुखा चारा खिलाता हूँ। सूखा चारा खिलाते हैं? अभी बारिश में कोई दिक्कत आई ऐसा, मतलब थोड़ा बरसात थी तो? अभी तो ऐसा कुछ नहीं था ना। बहुत बढ़िया, मेरे को ऐसा लगा कि सही में बता रहा हूँ कि मेरे गांव के आसपास ही कहीं घूम रहा हूँ और किसानों के पास में ही ज्यादातर माल किसानों से लेते हैं, आप मेरे को ये बता रहे थे। किसानों से, जंगल से, सोजत के किसानों के पास जाते हैं जंगल, अपने ये कृषि वाले जितने भी एरिया हैं, जितने भी बेरे हैं, ये सब घूमे हुए हैं और राजस्थान में बहुत घूमे हुए हैं और अपने सोजत एरिया में तो खूब घूमे हुए हैं ना। अभी थोड़े दिनों में आप जैसे बता रहे थे कि आप वहाँ पे भी जो है फार्म करेंगे, ये भी अपने उधर नागौर साइड में करेंगे? अच्छा बासनी गांव में आप फार्म चालू करेंगे और वहाँ पे भी होलसेल और ट्रेडिंग का ही काम रहेगा? यही होगा, यही होगा। टोटल बकरे आपने बताए 135 नग है ना? 135 नग। अच्छा मेरे को ये बताओ कि मान लो 135 नग की कोई पट्टी मांग लेता है कि मेरे को तो ये सारे के सारे जानवर चाहिए, तो एक पट्टी का रेट बता दीजिए ना। मान लो अगर मान लो मांग भी ले या 50 मांग लिया, 135 नग साथ में जाएंगे तो 18,000 की पट्टी लग जाएगी। 18,000 में, ये रीजनेबल रेट है बिल्कुल, क्योंकि इसमें दांती भी है, दो दांत किए हुए हैं और अदंत में भी 7-8 महीने के। ये जैसे ये बकरा अभी कितने महीने का है? बहुत शानदार बकरा है, दो दांत का। दोस्तों देखो होलसेलिंग का काम करना और ये भी गुजरी है। हाँ वही गुजरी, बहुत अच्छा लग रहा है, ये बकरा भी बढ़िया। अच्छा इसमें से गुलाबी बकरे मान लो कोई आया भाई, ठीक है, उसने छंटनी कर ली, 10 गुलाबी बकरे आपसे निकाल लिए, भाई मेरे को सोजत में सिर्फ गुलाबी गुलाबी चाहिए, या गुलाबी ले लिए, दो मक्की चीना ले लिए, मतलब पसंद के ले रहा है, पसंद के ले रहा है तो उसको 500 रुपए किलो में दे देंगे हम। 500 रुपए किलो तोल के? तोल के 500 रुपए किलो में देंगे ना, तोल के देंगे अगर वो पसंद के लेगा। दोस्तों इसमें देखो कंडीशन है, अब आप बोलोगे कि ईद में 500 रुपए में किलो में मिल जाता है, क्योंकि यहाँ गुलाबी बकरे आप ले रहे हैं और तो उसका 500 रुपए रेट लगेगा, यही बता रहे ना? समझ गया मैं, क्योंकि 500 रुपए बताने का। इधर लेके आओ, थोड़ा धूप में आओ ना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा दोस्तों, क्या थोड़ा पता भी चले आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, थोड़ा कमेंट करके बताओ। और अभी मैं 2 दिन के लिए अहमदाबाद में ही हूँ तो आप मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा उधर चलते हैं, थोड़ा दिखाते हैं आगे, और भी है काफ़ी सारे जानवर हैं एक साथ कवर करने, क्योंकि एक साथ 100 नग कवर करने दोस्तों आप समझ सकते हैं। मेरे बहुत सारी पार्टियाँ हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से ले रही है, जैसे राजस्थान में अपने सोजत में खूब सारे जमे हुए लोग हैं, तो आप इन लोगों से मिलिए, क्योंकि ये होलसेलिंग में काम करते हैं, होलसेल में ट्रेडर से मिलना बहुत मुश्किल है। अहमदाबाद के अंदर, अगर अहमदाबाद के अंदर भी अगर आपको माल चाहिए तो यहाँ से ले जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, अहमदाबाद के पास आसपास के एरियों से भी लेके जाएंगे। तो ये देख लो भाई, बकरे तो शानदार बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि भाई आप गलती निकाल सकते। बीमार भी नहीं है? नहीं, कोई बीमार नहीं है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। और दूसरा ये है कि बकरे सारे अच्छे हैं, वैक्सीन वैक्सीन वाले। अब भाई वजन इसका बढ़ाना तो आपके हाथ में है, जैसा खिलाओगे वैसा बढ़ेगा, क्योंकि ये तो खरीद बेच का काम करते हैं। ये मक्की छीना है, ये देख लो आप, ये काफ़ी लोग पसंद करते हैं इस कलर को, ये कलर आ गया, एक ये कलर आ गया, एक ये भी कलर आ गया। अच्छा आपका यहाँ ये प्रॉपर रहना कहाँ पे है फिर? गांधीनगर में। गांधीनगर में रहते हैं, और गांधीनगर से ये कितना दूर है? ये 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर बराबर है ना, तो ये अपना फार्म है जो इतना दूर है। ये भाई साहब इनकी बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, और पूरा फार्म डेवलप कर दिया, लाखों रुपये लगाए हुए हैं, 5 साल से भाई साहब जो है काम कर रहे हैं। मुर्गे भी रखे हैं इधर? मुर्गे भी है, वो तो साथ में अंडे अंडे हो जाते हैं ना, देसी देसी मुर्गियां हैं और देसी मुर्गी है सारे। अब एक काम करो ना भाई, इन सबको इधर से इधर भेज दो एक बार, तुम्हें क्या है कि या फिर इधर ले लो एक बार, जो इधर आ जाएंगे तो मैं एक वीडियो ले लेता हूँ। ये देखो, अब दोस्तों आई होप कि इस वीडियो को आप पूरा देख चुके होंगे, भाई साहब ने आपको पूरा बता दिया है, एड्रेस मिल चुका है। एक बार घूमते हुए चलते फिरते ये बकरे में आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। और एक साथ इतना बड़ा लोट है, 135 बकरों का लोट है, क्या समझोगे आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि ये काम करना इधर और वो भी होलसेलिंग के अंदर। इन्होंने मुझे फ़ोन किया था मेरा स्टेटस देख के कि जीपी भाई आप आ गए इधर, तो एक बार हाँ अब इधर भेज दो, यहाँ पे ज़रूर आना।
दोस्तों इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें जिन जिन को चाहिए होल सेलिंग के अंदर बकरे चाहिए वो भी अहमदाबाद के अंदर, तो भाई साहब से कॉन्टेक्ट कर लेना। अहमदाबाद से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर ये रह रहे हैं, 5 सालों से ये काम कर रहे हैं।